मैथुन जो है, हस्त मैथुन क्या है, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। और क्या होता है कि काफी लोगों के सवाल है, बहुत ही हॉट टॉपिक है ये। और हमारे देश में पहले से ही कई सालों से ऐसा माना गया है कि हस्त मैथुन बोले तो बहुत बुरा है, हस्त मैथुन अच्छा नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य यही जीवन है, विजयनाश या मृत्यु है। मतलब इस तरह का हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में आयुर्वेद वीर्य का वेस्ट करना अच्छा नहीं, वीर्य को निकालना नहीं चाहिए, वीर्य वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा काफी हमारे कल्चर में, हमारे देश में, हमारे लोगों में। मगर हम अभी बोलते हैं कि इसको कोई आधार नहीं, इसको कोई बेस नहीं, उसको कोई बेस नहीं है कि भाई हस्त मैथुन खराब है। हम बोलते हैं कि हस्त मैथुन मतलब हाथ से किया हुआ मैथुन, उसको बोलते हैं हस्त मैथुन। हाथ से किया हुआ मैथुन उसको बोलते हैं हस्त मैथुन। मैथुन खराब है क्या? मैथुन बिल्कुल खराब नहीं, मैथुन एकदम अच्छा है। सेक्स करना बुरा है क्या? बिल्कुल बुरा नहीं, एकदम अच्छा है। जब सेक्स करना अच्छा है तो हस्त मैथुन करना कैसा बुरा है? हस्त मैथुन करना बिल्कुल बुरा नहीं है, हस्त मैथुन करना अच्छा है। हस्त मैथुन से कोई भी नुकसान होता नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं होता है। हस्त मैथुन एक नॉर्मल प्रक्रिया है, और वो नॉर्मल प्रक्रिया जो है वो हम करते रहते हैं, तो उससे कुछ भी खराबी होगी नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं है, और आप बिन दिक्कत हस्त मैथुन कर सकते हैं। हस्त मैथुन से वीर्य जाता, मतलब लोग बोलते हैं हस्त मैथुन से गया हुआ वीर्य जो है वो बेकार है, तो हस्त मैथुन से गया हुआ वीर्य बेकार नहीं है, वीर्य जाना ही चाहिए। वीर्य जितना जाएगा बाहर उतना अच्छा है, जितना जाएंगे उतना नया तैयार होगा, जितना जाएंगे उतना नया तैयार होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं उसमें कुछ, इसलिए हस्त मैथुन करना गलत नहीं है। धीरे गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे जाने से कोई भी मतलब बीमारी होती नहीं है, ना लिंग का टड़ापन होता है, कुछ भी संभव नहीं है। इसके पहले, अभी और आगे जाने के पहले, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो एकदम लोग नए हैं, जो पहली बार ये सेशन में आए हैं मेरे साथ में, जो पहली बार हमारे सेशन में आए हुए हैं, तो उनके लिए जानकारी देना चाहता हूँ मैं कि हमारा हॉस्पिटल जो है वो अकोला में, महाराष्ट्र अकोला में हमारा हॉस्पिटल है। अकोला ये नागपुर और बॉम्बे के बीच में है, नागपुर एक तरफ, बॉम्बे एक तरफ, उसके बीच में अकोला है। और हमारे यहाँ पेशेंट, मेंटल पेशेंट को हम भर्ती करते हैं, मेंटल पेशेंट को हम भर्ती करते हैं, तो रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, जब रिश्तेदार है तो उनके साथ में भर्ती करते हैं, या कुछ रहने आवाज नहीं थोड़ी रहते फस हैं फस के आ रही है, तो उनको। हाँ, ये आवाज आवाज थोड़ी ठीक फस नहीं आ रही, फस फट कर, थोड़ी थोड़ी के आ रही है। हाँ, बीच बीच में कट रही है आवाज, बीच बीच में बीच कट में रही कट है, रही है। नेटवर्क अच्छा, बीच में कट रही है। हाँ, प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जो समझ में नहीं आ गया वो मुझे आपने पूछना है, ये समझ में नहीं आया मैं फिर से रिपीट करूंगा। अभी तक समझ में आ रहा है मैंने जो बोला? समझ में आया था वो समझता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में हम बिना रिश्तेदार पेशेंट लोगों को, मेंटल पेशेंट को भर्ती करते, हॉस्पिटल में रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते। और हमारे यहाँ ज्यादातर जो पेशेंट भर्ती है वो कौन से है? वो एकदम मेंटल बहुत ही हिंसक है, पागलपन करते हैं, एकदम अपने आप से बड़बड़ करते हैं, मारपीट करते हैं। तो ऐसे लोगों को अकेले भी रखना होता है, तो कुछ लोग हमारे यहाँ अकेले उनको छोड़ देते हैं, और अकेले छोड़ के निकल जाते हैं। फिर अच्छा होने के बाद में उनको बोलते कि भाई अच्छा हो गया, और आप हमें हम आपको इत्तला करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, आप उनको वापस लेके। तो अकेला पेशेंट को रखते हैं, उसमें फिर शराब की रस्मी है, जो लोग शराब पीते हैं और जो जिनको लत है शराब की, या जो मंदबुद्धि के लोग हैं, मंदबुद्धि के जिनकी बुद्धि चलती नहीं है, और जो गांजा शराब अफू इसकी नशा करते हैं, या बूढ़े लोग जो है कि जो लोगों को याददाश्त नहीं रहती, वो रास्ता भूल जाते हैं, कहीं भी निकल जाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो ऐसे लोगों को हमारे यहाँ भर्ती करते हैं। तो ये हमारे हॉस्पिटल का है। वैसे ही सेक्स के बारे में, हमारे यहाँ रोज ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है, वीडियो कॉल होते रहते हैं, और वो वीडियो कॉल में मैं लोगों को कंसल्टेशन देता हूँ,
और हम जो चाहे उनको दवाई का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, दवाई सप्लाई करते हैं यहाँ से और यहाँ से दवाई भेज देते हैं, और लोगों के जो प्रॉब्लम है सेक्सुअल प्रॉब्लम, तो वो सेक्सुअल प्रॉब्लम हम हल करते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम कौन से हल करते हैं ज्यादातर, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम जो हम हल करते हैं वो प्रॉब्लम है, एक तो नपुंसकत्व है मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिंग में कठोरता नहीं आना। दूसरा कौन सा है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। भाई जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन से ऐसा होते रहता है नहीं, तो हमारे यहाँ नपुंसकत्व है मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसका इलाज होता है। फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन है मतलब जल्दी गिर जाना, शीघ्र पतन होना, उसका इलाज होता है। और फिर लैंगिक समस्याओं से काफी जो प्रॉब्लम्स है ना, उनका भी इलाज हम करते। आवाज गया हाँ दूसरा ना, ठीक है अभी आ रही है, अब आया आवाज हाँ अभी आ रहा है, ऑल लोगों को करो। हाँ सबको रिक्वेस्ट है कि आप है ना म्यूट करो अपना, तो फिर आपको बराबर सुनाई आएगा, अपना अपना फोन म्यूट करते जाओ। राइट आवाज नहीं आ रही है, अभी आ रही है आवाज अमित? हाँ हाँ ओके। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ सभी तरह के सेक्स प्रॉब्लम जो है उनका इलाज होते रहता है और वो इलाज हम करते रहते हैं। तो आज का जो विषय है वो है हस्तमैथुन, और हस्तमैथुन के बारे में आपके कोई सवाल होंगे तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। आपके सवाल आपको यदि पूछना है तो आप हाथ ऊपर करो, और वो डिजिटल हैंड आप ऊपर कर सकते हैं। डिजिटल हैंड मतलब मोबाइल में आप आपका हाथ ऊपर करने का तरीका है, वहां आप हाथ ऊपर कर सकते हैं तो हम आपको अनम्यूट करने के लिए बोलेंगे और फिर आप पूछ सकते हैं। तो जिसको भी पूछना है आप सवाल पूछो। यस हाँ अमन गुप्ता पूछे, अमन गुप्ता को अनम्यूट करो। अमन गुप्ता पूछे। मैं हस्तमैथुन के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जैसे हफ्ते में कितना बार करना सही रहता है हस्तमैथुन, कितना बार करना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा? हाँ आपका सवाल यह है कि हफ्ते में कितने बार हस्तमैथुन करना चाहिए और कितने बार करना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो देखिए कि हस्तमैथुन हफ्ते में कितने भी बार कर सकते हैं, कितने भी बार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने भी बार, जितनी भूख लगी उतना हम खाना खाते हैं, वैसा ही है हस्तमैथुन का कि जितने बार उतने बार आप हस्तमैथुन कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। जितने भी बार लगता है उतने बार हस्तमैथुन पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। अच्छा लोग रोज एक बार हस्तमैथुन करने वाले हैं, रोज एक बार लोग हस्तमैथुन करते हैं, कोई हफ्ते में एक बार करते हैं, कोई रोज दो बार करते हैं, कोई रोज तीन बार करते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, कितने बार करना चाहिए, जितने भी बार आपका दिल हो उतने बार आप हस्तमैथुन कर सकते हैं। और सवाल पूछेंगे उत्कर्ष वाटाणे, उत्कर्ष वाटाणे पूछो सवाल। हेलो सर आवाज आ रही है? हाँ जी पूछो। यस पूछिए। हाँ उत्कर्ष पूछो, खुद को अनम्यूट करो उत्कर्ष। सर हेलो आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है पूछो। सर मास्टरबेशन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन और पेनाइल स्ट्रेंथ ये कम होती है क्या सर? इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम आता है क्या सर? नहीं मास्टरबेशन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब लैंगिक कठोरता का प्रॉब्लम आता नहीं है, ये गलत फहमी है। देखो मैं आपको बताता हूं कि आप संभोग करते हो, सेक्स करते हो, स्त्री पार्टनर है आपकी, सेक्स करते हो, तो होता क्या है कि समझो जब ये हाथ बता रहा हूं मैं, तो ये है वजाइना मतलब योनि है। जब आप सेक्स करते हो तो योनि के अंदर ये पेनिस जाता है, लिंग जाता है, और आप ऊपर नीचे ऐसा करते हो, ये ऐसा होता है ऊपर नीचे। तो क्या है कि योनि स्थिर है और पेनिस अंदर बार हो रहा है। ये हो गया सेक्स ठीक है ना। अभी देखो जब आप हस्तमैथुन करते हो, अभी हाथ की अपने मुट्ठी कर दिया, ये अभी लिंग है, और अभी आप क्या कर रहे हो, अभी ये छेद हिला रहे हो। जब स्त्री के साथ में करते हो तो लिंग हिलता है, हाथ से करते हो तो ऐसा करते हो। अभी इसमें क्या फर्क है बताओ, ये करो ऐसा है तो ये करो, क्या फर्क है बताइए।
फर्क तो है नहीं सर। ब्लड वेसल्स या फिर पेनाइल स्ट्रेंथ कम होते क्या उससे ज्यादा कुछ नहीं बचपन से मान लीजिए। देखो मैं बोलता हूँ हरदम कि आप जितने बार हस्त मिथुन करेंगे उतना अच्छा है। ऐसा देखो 12 13 14 15 साल की उम्र में लड़के का पुरुष बनता है, लड़के का पुरुष बनता है मतलब क्या होता है टेस्टोस्टेरोन जो सेक्सुअल हार्मोन है वो बढ़ते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टिकल बढ़ जाती है, फिर मूंछ आना दाढ़ी आना चालू हो जाता है और फिर वीर्य बनना चालू हो जाता है उम्र के 12 13 14 15 साल की उम्र में, ठीक है ना। पुराने जमाने में 17 18 साल में 16 साल में शादी कर देते थे लोग, सेक्स करना चालू कर देते। अभी बहुत आबादी बढ़ना चालू हो गया, बहुत ज्यादा आबादी बढ़ रही तो फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि भाई नहीं अभी 21 साल तक लड़का शादी नहीं कर सकता, 18 साल तक लड़की शादी नहीं कर सकती है, ऐसे रिस्ट्रिक्शन डाल दिए ताकि आबादी जो है पॉपुलेशन वो कम हो जाए। तो पुराने जमाने में लोग तो बहुत पहले से सेक्स करना चालू कर देते थे। अभी जब 21 साल तक सेक्स करना ही नहीं है, अभी तो शादी 21 साल में भी होती नहीं है, बच्चा बड़ा होता है, एजुकेशन चालू रहता है, पढ़ाई चालू रहती है और वो पढ़ाई में बाद में फिर वो सर्विस चालू करता है, बिजनेस चालू करता है, तो 28-30 साल की उम्र हो जाती है बाद में शादी होती है। अब देखो जो लड़का उम्र में आ गया जिसको सेक्स आ गया 13 साल की उम्र में सेक्स आ गया, अब 13 से लेके 30 साल तक शादी समझो 30 साल की उम्र में हो गई, 17 साल उसने क्या करना, 17 साल क्या करना उसने, मास्टरबेशन, ठीक है ना, मास्टरबेशन कर एकदम नॉर्मल है। और शादी के बाद में भी यदि पत्नी नहीं है घर पे, मायके गई हुई है, प्रेगनेंसी है, एमसी है ना, या घर में मेहमान आए हुए हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है, पत्नी बीमार हो गई, ऐसे कुछ भी कारण है और आप सेक्स नहीं कर सकते हैं तो शादी के बाद में भी लोग हस्त मैथुन करते रहते हैं और उसमें कोई गलत नहीं है। सर एक क्वेश्चन और है, अगर पेनाइल डॉपलर टेस्ट अगर नॉर्मल है तो उसमें कोई फिजिकल फॉल्ट नहीं है, ये क्लियर है, ये बराबर है सर? बिल्कुल बराबर, मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी अगर उसको है और उसका पेनाइल डॉपलर टेस्ट मान लीजिए नॉर्मल है तो उसको साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोल सकते हैं अपन, बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके सर, यस, थैंक यू फॉर आस्किंग और ये पूछने के लिए बहुत करेज लगता है और जो साहस आपने बताया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष, थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी हमारे यहाँ क्या होता है, अभी और बताना चाहूंगा मैं कि हमारे यहाँ काफी लोगों के फोन आते हैं, फिर हम उनको कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं हमारा या उनका कॉन्टैक्ट नंबर हम लेते हैं, उनसे फोन करते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं और फिर मैं सुबह सुबह लोगों को और सुबह सुबह फिर मैं उनको मतलब ये वीडियो कॉल करता हूँ और लोगों को कंसल्टेशन में देते रहता हूँ। तो लोगों को कंसल्टेशन हम देते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और लोगों के प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्यूशन में लोगों को देते रहता हूँ। तो आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो अभी आपको हमारे असिस्टेंट जो है वो नंबर डालेंगे, HDFC बैंक अकाउंट नंबर है, वो HDFC बैंक अकाउंट में आप डाल सकते हैं पैसा। 500 रुपये हमारी कंसल्टेशन फी है तो 500 रुपये आप कंसल्टेशन फी डाल के आप मेरा कंसल्टेशन कल सुबह के लिए या परसों के लिए ले सकते हो, या फिर इंस्टा मौजू की एक लिंक है वो लिंक पे जाके भी आप पेमेंट कर सकते हो और पेमेंट करके आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ठीक है ना, तो वो आप कर सकते हैं, मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगा। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अलावा हम सेक्स काउंसलिंग का सेमिनार लेते हैं। सेक्स काउंसलिंग का सेमिनार मतलब जिनको दवाई से फायदा नहीं हो रहा है, कोई फायदा दवाई से नहीं हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, दवाई उनको लेना नहीं है, दवाई लेना नहीं बोलते हम, हमको नेचुरल अच्छा होना है, उनके लिए सेक्स काउंसलिंग सेमिनार होता है। और वो सेमिनार में मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे 10 दिन तक 12 दिन तक बात करते रहता हूँ और फिर लोगों को गाइड करते करते उनका इलाज हम करते रहते हैं, ठीक है ना। तो सेक्स काउंसलिंग सेमिनार में आप हिस्सा ले सकते हैं। सेक्स काउंसलिंग सेमिनार जो है वो 10 दिन का होता है
और उसकी फी जो है वो है 5,000 रुपए। तो आप सेक्स काउंसलिंग सेमिनार ले लो, उसकी फी 5,000 रुपए भरो। उसके साथ साथ मैं हिप्नोटिज्म भी करते रहता हूँ। तो हिप्नोटिज्म में क्या होता है, हिप्नोटिज्म में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल करने का कार्यक्रम है हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म से आप इम्पोर्टेंस अच्छा कर सकते हैं, नपुंसकत्व अच्छा कर सकते हैं। हिप्नोटिज्म से आप शीघ्र वीर्य पतन जो है, शीघ्रपात जो है, शीघ्र पतन वो भी अच्छा कर सकते हैं हिप्नोटिज्म से। हिप्नोटिज्म से आप अपना मन पावरफुल कर सकते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग आप करते हो और आप खुद को हिप्नोटाइज कर सकते हो। तो हिप्नोटिज्म का मैं हर हफ्ते में एक बार, हर हफ्ते में एक बार एक वर्कशॉप लेते रहता हूँ, और वो वर्कशॉप हमें वर्कशॉप में हिस्सा लेके हम आपको अच्छा करते हैं हिप्नोटिज्म का वर्कशॉप लेके, ठीक है ना। तो आप उसकी भी फी 5,000 रुपए है, मैं आपको हिप्नोटिज्म सिखाऊंगा। सेक्स काउंसलिंग की फी भी 5,000 रुपए है। और कितने देर तक का रहेगा हिप्नोटिज्म, एक हफ्ते में एक बार, एक हफ्ते में एक बार, करीब करीब 2-2.5 घंटे का चलता है वर्कशॉप। हर मंगलवार को हम लेते हैं, 2-2.5 घंटे का चलता है, और ऐसे 10 हफ्ते का वो हिप्नोटिज्म का वर्कशॉप चलते रहता है। इसके अलावा मैं आपको बिजनेस कोचिंग भी करता हूँ। और बिजनेस कोचिंग मतलब क्या है, बिजनेस कोचिंग मतलब ऐसा है कि लोगों को धंधा करना आता नहीं है, और आता होगा तो लोगों को धंधे का ग्रोथ करना आता नहीं है। ग्रोथ करना मतलब धंधा बढ़ाने का। धंधा अपने को बढ़ाना कैसा है, आपका 10 गुना धंधा 3 साल में कैसा बढ़ेगा। आज आपका 25 लाख रुपए सेल है समझो महीने का, वो अपने को 2.5 करोड़ रुपए कैसे करना है, अपने को 10 गुना धंधा कैसे बढ़ाने का है, तो उसका भी कोचिंग हम करते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं और बिजनेस कोचिंग ले सकते हैं। हमारा बिजनेस सेमिनार अभी 24 सितंबर से चालू होने वाला है, 24 तारीख से, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं 24 सितंबर के बिजनेस वर्कशॉप में, ठीक है ना। तो वो भी आप कर सकते हैं, और आप बिजनेस वर्कशॉप में हिस्सा लेके बिजनेस कोचिंग मेरे से ले सकते हैं। हमारे यहाँ मल्टीफोर्ड ऐसे कार्यक्रम है, ऐसा शराब का व्यसन, गांजा, अफू, शराब, इसका व्यसन, बीड़ी सिगरेट, तंबाकू का व्यसन, मेंटल पेशेंट है उनके लिए, सेक्स प्रॉब्लम है उसके लिए, फिर पेट विकार के लिए हमारे पास में लोग आते हैं। पेट विकार में देखो, आपके दिमाग में टेंशन आ गया तो काफी लोगों को लैट्रिन लगती है ना, सीधा कनेक्शन है। टेंशन आ गया तो लोगों को पेशाब लगती है, लैट्रिन लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मानसिक कनेक्शन है सीधा पेट विकार का। टेंशन आ गया कि पेट के प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, तो वो भी हम अपने दिमाग को कैसा रिलैक्सेशन करना उसका भी इलाज हम करते रहते हैं, ठीक है ना। बाद में हेडेक है, दिमाग माइग्रेन है, हेडेक है, फिर डिप्रेशन, फिर नर्वसनेस, उदासीनता, एंजाइटी, पैनिक अटैक दिया आपको, तो पैनिक अटैक है, फोबिया है, डिप्रेशन, फिट्स आदि सभी समस्याओं का इलाज हम करते रहते हैं। तो अभी मैं सवाल लूंगा फिर हस्तमैथुन का, राहुल गहलोत बोलिए आपका सवाल क्या है। तो हेलो, हाँ सर, यस सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे कोई अगर डेली मस्टरबेट करता है तो राहुल 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 हाँ राहुल आपका परिचय दो आप पहले, कहाँ से आप। मैं बड़वानी से बोल रहा हूँ सर, मध्य प्रदेश बड़वानी, मध्य प्रदेश से आके ऐसा बोलिए। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे अगर कोई डेली मस्टरबेट करता है तो क्या उसको, जिससे यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं उसमें बताते हैं कि वीकनेस आ जाती है, वेट कम हो जाता है, चेहरे का ग्लो चला जाता है, तो ये क्या सही है या गलत है सर, ये पूछ रहा था। रोज मास्टरबेशन करने से ना वीकनेस आता है, ना फोड़े आते हैं, ना वेट कम होता है। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। अच्छा सर, स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दे सकता हूँ, कुछ होता नहीं है। लोगों को बहकाया जाता है। देखो, यदि मैंने ऐसा बोलना चालू किया कि आपको लिंग में कमजोरी है, आपने बहुत मास्टरबेशन किया है और इसलिए आपको लिंग में कमजोरी है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको दवा देता हूँ 50,000 रुपए की। आप बोलेंगे ठीक है, अभी बचपन में गलती हुई, अपन ने हस्तमैथुन किया, चलो अभी गलती सुधारो, 50,000 रुपए डॉक्टर को दे दो। हम तो लोगों को उल्टा बोलते कि हस्तमैथुन करो, है ना। हस्तमैथुन करने से कुछ होता नहीं। वेश्या के पास में जाना और अपनी सेक्स की भूख शांत करना, वेश्या के पास में जाके सेक्स की भूख शांत करना, उससे बढ़िया है कि हस्तमैथुन करना। ओके सर, ठीक है, है ना, उससे कोई नुकसान होता नहीं है। ओके सर, ठीक है। हाँ, फिर लोग
हाथ से ना करते हुए प्रोन होते, उसके बारे में पूछा है किसने, प्रोन मतलब गद्दी के ऊपर अपने लिंग को घसना, तो क्या है उसमें ज्यादा घसाई किया तो लिंग को जख्म हो सकती है, तो आपने क्या करना है हस्तमैथुन करने के समय भी आप निरोध पहन सकते हैं और निरोध पहन के फिर गद्दी के ऊपर सेक्स कर सकते हैं, मतलब घस सकते हैं और आपको मास्टरबेशन का आनंद उसमें मिल सकता है। तो कोई भी हार्ड इसमें नहीं करने का है, हार्ड हार्ड चीज के ऊपर नहीं घसना है लिंग को, क्योंकि आप हार्ड इसमें घसेंगे तो जख्म हो जाएंगे, है ना। हस्तमैथुन करके हाथ एकदम साफ होना, हाथ साफ होना चाहिए, है ना, और आप कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो साफ सुथरा हाथ करना है, हाथ धो लेना है और बाद में हाथ से मास्टरबेशन करने का है, ठीक है ना। यस चेतन सपकाळे बोलो, चेतन सपकाळे नहीं है, ऑडियो चालू। नेक्स्ट हाँ रियल्म 6 बोलो, एक इसका है रियल्म 6, अरुण सेन बोलिए, अरुण सेन, अरुण सेन अपने आप को म्यूट करो, बोलो। हेलो अरुण सेन, हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। मैं ऐसा कह रहा हूँ जैसे कि जब भी मैं सेक्स के बारे में सोचता हूँ ये आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, सुनाई नहीं आ रहा है, आप आपका वीडियो बंद करो और बात करो, वीडियो बंद करके बात करो। हाँ वीडियो बंद है सर। हेलो अब आ रही सर आवाज? हाँ अभी आ रही, बोलो। मैं ऐसा कह रहा हूँ सर जैसे कि जब भी सेक्स के बारे में सोचता हूँ या मान लो कोई भी पोर्न वीडियो देखना स्टार्ट करता हूँ तो तुरंत इरेक्शन आ जाता है तो और पानी छाने लगता है, ऐसा क्यों होता है? देखो सेक्स की बात करते हो, हाँ सेक्स की बात करते हो, अपने गर्लफ्रेंड से बात करते हो, पोर्न वीडियो देखते हो, है ना, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत इरेक्शन आ जाता है, तुरंत इरेक्शन आ जाता है, क्यों? क्योंकि आप जब वीडियो देखते हैं तो आंखों से अपने आंखों से ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है, ब्रेन को स्टिमुलेशन मिला, पीछे से जो मैसेज आती है वो नसें पीछे से जाके अपने लिंग तक जाती है, वो वहां मैसेज पहुंचाती है कि अभी मौका है सेक्स करने का, मौका है ना, जब विचार आ गया तो उसको लगता भी मौका है सेक्स करने का, उसको लगता है ब्रेन को, ब्रेन को दिखता नहीं है, ब्रेन को क्या लगता है कि कोई सेंसेशन आ गया इधर से मतलब मौका है, उसको लगता है कि अभी सेक्स करने के लिए लेडी होंगी, लड़की होंगी, पत्नी होंगी, जो भी कोई होगा सामने, तो वो क्या करता, ब्रेन ब्रेन को दिखता क्या? नहीं दिखता, उसको आंखें है क्या? नहीं है, तो आंखें नहीं है, उसको लगता है कि सेक्स करना चालू करने का है अपने, ऐसा उसको इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फिर वो क्या करता वहां से पीछे से इन्फॉर्मेशन देता है लिंग को और लिंग को बोलता तैयार हो जा, तो इरेक्शन आता है, इरेक्शन आ गया तो उसको लगता है कि अभी लेडी सामने होंगी, उसको नहीं समझता, उसको तो आंखें थोड़ी है, उसको नहीं समझता, तो फिर जब लेडी है ऐसा उसको लगता है, तो लेडी है और आपको सेक्स करना है ऐसा उसको लगता है, तो उसके लिए क्या होना, उसके लिए चिकना चिकना होना, अब चिकनी जगह होने के लिए वो थोड़ा सा चिकना पदार्थ बाहर निकालना चालू कर देता है ताकि लिंग का प्रवेश होने में होना चाहिए, उसको क्या मालूम लेडी है कि नहीं, उसको लगता है कि लेडी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? यस आगे बोलिए, नेक्स्ट करो। शुभम, शुभम जामोदे बोलो, वानखेड़े, शुभम वानखेड़े। हाँ सर, हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, मतलब मास्टरबेशन करने से अपना फोकस रहता नहीं है, मतलब अपने गोल पर, या फिर कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना रहता है, ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब हमेशा डाइवर्ट होता रहता है या फिर लस्टफुल थॉट दिमाग में रहते हैं डेली करने वाले की? तो मैथुन करने से कोई अपना फोकस के ऊपर डाइवर्ट होता नहीं है, उल्टे देखो दिमाग में आपके सेक्स के विचार है, जब दिमाग में सेक्स के विचार है तो आप पढ़ नहीं पाते, एक बार आपने हस्तमैथुन कर लिया दिमाग शांत हो गया तो आप पढ़ पाएंगे, तो उल्टा है, हस्तमैथुन कर लो दिमाग को शांत करो, शांत हो गया पढ़ पाएंगे, है ना। तो कितने सारे ऐसे लोग हैं कि वो हस्तमैथुन करके अपना दिमाग शांत करते हैं और बाद में पढ़ाई फिर चालू कर देते हैं, क्योंकि वो उनका विश्वास है कि हस्तमैथुन से कुछ भी नुकसान होता नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं होता हस्तमैथुन, वो उनको मालूम है क्लियरली। ओके सर, यस अभी इतना ही है,
देखो हस्तमैथुन के दो नुकसान है, दो नुकसान मोटे मोटे। कौन से नुकसान है हस्तमैथुन के? कि यदि आप ज्यादा हस्तमैथुन करने लगे, 4 बार 6 बार, तो क्या होता है फिर उसका ऑब्सेशन हो सकता है और वो होना प्रॉब्लमेटिक है। ऑब्सेशन मतलब क्या है? ऑब्सेशन मतलब वही विचार आना और वही करने की इच्छा होना। मतलब उसका जब ऑब्सेशन हो जाता है तब इच्छा भी नहीं है तभी भी हस्तमैथुन करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। इच्छा नहीं है तभी भी, इच्छा भी नहीं तभी करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं, उसको मजा भी नहीं आ रहा है तभी भी वो करना पड़ता है, तो वो बीमारी हस्तमैथुन से हो सकती है यदि आप ज्यादा हस्तमैथुन करते हो। नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बीमारी कौन सी होती है, एनी आइडिया? सेकंड बीमारी हस्तमैथुन से कौन सी हो सकती है, इसको आइडिया है? बोलो। स्वप्न दोष हो सकता है। नहीं, हस्तमैथुन से दूसरी बीमारी होती है शीघ्र पतन की, हो सकती है। कैसी वो बताता हूँ आपको, शीघ्र पतन की बीमारी हो सकती है, वो कैसी आपको बताता हूँ। कि हस्तमैथुन आप जब करते हैं होता क्या है कि समझो हो सकता है आपको प्राइवेसी नहीं है, घर में कमरा नहीं अलग, तो आपको क्या करना पड़ता है जल्दी जल्दी में हस्तमैथुन करना है, या आपको स्नान करने के समय बाथरूम में हस्तमैथुन करना है क्योंकि अपने घर में प्राइवेसी नहीं है, या टॉयलेट में करना है। मतलब आप कहीं भी हस्तमैथुन करते हैं और वो जल्दी जल्दी में करना पड़ता है, तो फिर क्या होता है, जल्दी जल्दी में करने में जल्दी गिराना पड़ता है, जल्दी गिराने की आदत बन जाती है, और जब जल्दी गिराने की आदत बन जाती है तो प्रॉब्लम है। जल्दी गिराने की आदत बन जाती है प्रॉब्लम है, क्योंकि शादी के बाद में भी उसको क्या मालूम ना, उसको तो वही आदत हो गई कि थोड़ा हिला जल्दी जल्दी हिलाओ, फटाफट फेंको जल्दी मोकलाओ, तो फिर वो आदत गिर जाती है, जल्दी गिरने की शादी के बाद में प्रॉब्लम आता है। तो हस्तमैथुन जब आप करेंगे तो आपको ये देखना है कि हस्तमैथुन आराम आराम से जैसा सेक्स करते हैं वैसा करना है। हस्तमैथुन भी 5 से 10 मिनट तक चलना चाहिए, आराम से चलना चाहिए, ताकि उसके बारे में कोई तकलीफ बाद में होंगी नहीं। हस्तमैथुन तीसरा नुकसान होता है, तीसरा कौन सा नुकसान होता है, कि आप बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करने लगे, इच्छा भी नहीं है तभी कर रहे हैं, ज्यादा घसके कर रहे हैं गिरना चाहिए करके, तो वहां जख्म हो सकती है ज्यादा घसने से, इसलिए ज्यादा नहीं करना है जख्म होने तक, ठीक है ना। चौथा प्रॉब्लम क्या है, आपका हाथ साफ नहीं है, इन्फेक्शन है हाथ को। हो सकता है कि आपने खाना खा लिया, खाने में बहुत तीखा खा लिया है ना, खाने में तीखा खा लिया, आपने हाथ धोया नहीं और वही हाथ से आप हस्तमैथुन कर रहे हो, तो क्या होगा, जो लिंग है उसकी जो बॉडी रहती है वो बहुत सेंसिटिव रहती है। ऐसा आपने तीखे हाथ का बाद में साबुन से हाथ धोया नहीं, खाना खाने के बाद में तीखी सब्जी खाई है, मिर्ची का ठेचा खाया हुआ है, कुछ भी तीखा है, और वही हाथ सिर्फ धो लिया आवाज आ रही है और बाद में सेक्स कर लिया, तो फिर बाद में उसका बहुत अंगार होना चालू हो जाता है और लिंग में फोड़े आ सकते हैं, ठीक है। हेलो, तो ये हस्तमैथुन के नुकसान है। हाँ जी बोलिए, फटाफट है ना, ये कर दिया। हेलो, यस बोलिए। काउंसलिंग से ओसीडी, मतलब जो आपने बोला कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ सर मैं बोल रहा हूँ, ये सवाल एक मिनट, एक को चांस देंगे बोलने का। हेलो जी सर आवाज आ रही है? कौन बोल रहे जी सर? मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोलो जी सर। मैंने काफी टाइम से हस्तमैथुन कर रहा था सर, मतलब 12-13 साल की उम्र से, तो अभी क्या ईडी की दिक्कत आ रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ये प्रॉब्लम आ रही है सर। हस्तमैथुन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता नहीं है, आप पक्का ख्याल में रखो ये, हस्तमैथुन से कोई भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नपुंसकत्व कुछ भी होता नहीं है सर। मतलब लिंग में छोटापन ऐसा कुछ हो रहा है? लिंग में छोटापन भी होता नहीं है हस्तमैथुन से, कुछ भी नहीं होता है। तो सर ऐसा क्यों, सब गलत फहमी है। देखो लिंग में छोटापन कैसे होगा, यदि आपका लिंग
यदि आपका लिंग जब फ्लैसिड है, मतलब जब ढीला है, जब ढीला है उस समय यदि एक इंच से कम है, एक इंच से कम, मतलब देखो ये जो मेरा उंगली है, तो ये उंगली का पहला जो हिस्सा है, अब इससे यदि कम है और गोलाई में इससे यदि कम है, तो समझ जाना कि अपना लिंग छोटा है। जी, इससे छोटा है किसका, तो फिर मुझे पूछो, वे इससे छोटा है, एक इंच से छोटा है, है ना, एक इंच से छोटा लटकने का कारण सर? हाँ, टेस्टिकल ज्यादा लटकने का कारण सर? टेस्टिकल लटकने के लिए है, टेस्टिकल लटकते ही रहते हैं, यदि बाहर ठंडा है, ज्यादा लटके बाहर का, हाँ बाहर का वातावरण ठंडा है ना, तो वो उसको अंदर खींचेगा, अंदर का वातावरण ठंडा है तो उसको बाहर डालेगा, तो वो टेस्टिकल का अंदर बाहर मतलब पास में लाना छोड़ देना, पास में लाना छोड़ देना, ये कार्यक्रम कितना टेम्परेचर बाहर है उसके ऊपर रहता है, वो अपने हाथ में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अंदर बाहर कर देता है। वैसे लिंग का साइज का है, यदि ज्यादा टेंशन आ गया, ज्यादा ठंडाई बाहर आ गई, तो वो अंदर खींच लेगा। जी जी, और सर वीकनेस जैसा लगता है, मतलब वीकनेस जैसा मतलब क्या है? पेनिस में वीकनेस, पेनिस में वीकनेस, हमेशा ध्यान उधर रहता है, इरेक्शन आ रहा नहीं आ रहा? नहीं, इरेक्शन दिन में क्यों चाहिए आपको सर? मतलब ये जब से दिक्कत आ रही है ईडी की, तब से ध्यान उधर रहता, आ रहा है नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। नहीं, दिन में क्यों चाहिए आपको, क्यों देखना पड़ता है बार में, आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा कि, दिन में क्या करना है? ऐसा लगता है जैसे वीकनेस जैसा हो गया है कुछ। तो दिन में क्यों, आप काम नहीं करते क्या? काम करता हूं ना सर। देखो भाई, जब आप काम करते हो तो उसके तरफ क्यों देखना है, लिंग के तरफ क्यों, हो रहा कि नहीं हो रहा, अपने को थोड़ी करना है सेक्स। जी नहीं, क्या सेक्स करना होगा तो देखना है हो रहा कि नहीं हो रहा। और मैं आपको बताता हूँ, सेक्स करने के समय भी लिंग के तरफ देखना नहीं है। यदि आप लिंग के तरफ देखते हो तो आपका इरेक्शन निकल जाएगा। आपका ख्याल क्या होना है, आपका ख्याल सामने वाले पार्टनर के ऊपर होना है, सेक्स एंजॉय करने का है। जिस समय आप लिंग के तरफ देखेंगे, हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा कि नहीं हो रहा, वो होगा नहीं, चले जाएंगे आपको। तो लिंग के तरफ ख्याल कभी भी रखने का नहीं है जी, ख्याल होना है पार्टनर के तरफ। सर इरेक्शन बिल्कुल कम हो गया, मतलब इरेक्शन ही नहीं आता अब तो। ठीक है ना, तो आपको यदि डिटेल चाहिए तो आप अभी हमारे सनी नवले असिस्टेंट है, वो आपको अपना नंबर डालेंगे, वो नंबर से आप कॉन्टेक्ट करके मेरे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, मेरी अपॉइंटमेंट ले लो। आप 500 रुपए भर के मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मैं आपको दवा भेजूंगा कंसल्टेशन के बाद में। और आपको इसके बारे में काउंसलिंग चाहिए तो आप हमारा सेक्स काउंसलिंग का सेमिनार कर सकते हैं, जो हर एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा 10 दिन चलता है। ठीक है ना, तो अभी नंबर डाला हुआ है, ये नंबर आप उसमें पैसे जमा करो तो आपको 500 रुपए में आपको कंसल्टेशन मेरा मिल जाएगा। जी सर, धन्यवाद। यस, इसको कर दे भी म्यूट, अनम्यूट करो जल्दी जल्दी। हाँ यस, बोलिए, पूछेंगे राहु। यस बोलिए राहु, आपको अनम्यूट किया गया। आवाज जा रही है सर। यस राहु सर, डेली मैस्टरबेट करने से पेनिस में कर्व आ सकता है? डेली मास्टरबेट करने से पेनिस में कर्व आता नहीं है। देखो, कर्व जो है ना पेनिस में, थोड़ा सा बाएं बाजू या थोड़ा सा देने बाजू रहता ही है, पेनिस सीधा नहीं रहेगा कभी। आप वो पैन के अंदर कौन से बाजू में रखते हैं पेनिस, उसके ऊपर कवर है। यदि आप पेनिस बाएं बाजू में रखते हो, टाइट कपड़े पहने हैं और पेनिस बाएं बाजू में है, तो आपका लिंग जो है वो बाएं बाजू में रहेगा टेढ़ा। यदि आप दाहिने बाजू में रखते हो तो दाहिने बाजू में टेढ़ा रहेगा। ठीक है ना, तो उसमें कोई गलत है नहीं। ठीक है, सर आवाज जा रही है? हाँ, हमारी आवाज ठीक है, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। हर्षद बोलो, हर्षद, हर्षद, हर्षद बोलो। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर, बोलिए हर्षद। हेलो, हाँ बोलो हर्षद। पूछना था कि अगर सोचो, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही हर्षद, हर्षद आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अभी आ रही क्या? अभी आ रही। हेलो, हाँ बोलो।
बोलो अभी। हाँ आ रही है सर अभी आवाज? यस अभी आ रही। सर मुझे ये पूछना था कि अगर किसी को अगर डेली मास्टरबेशन की आदत रही, हाँ, तो बाद में अगर उसने स्टॉप कर दिया तो उसके बाद उसको नाइट फॉल हो सकता है? नहीं, हस्तमैथुन की आदत से कोई नाइट फॉल के ऊपर असर गिरता नहीं है। हस्तमैथुन आप करते नहीं हो और आपकी शादी होने की बाकी है तो आपको डेफिनेटली नाइट फॉल होगा। नाइट फॉल होना ये अच्छी बात है। यदि आप पुरुष है, मर्द है, तो आपको शादी के पहले नाइट फॉल होने के पूरे चांसेस है और नाइट फॉल होगा ही। शादी के बाद में क्या होता है, शादी के बाद में थैलियां रिकामी होती रहती है, अपना जो सीमेन स्पर्म्स वो कहाँ जाते हैं, सेक्स में, औरत के इसमें चले जाते हैं, तो फिर क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, फिर तो नाइट फॉल होगा नहीं। यदि आप हस्तमैथुन करते हो तो भी थैलियां खाली हो जाएंगी, नाइट फॉल होगा नहीं। तो नाइट फॉल कब होता है, नाइट फॉल जब आप सेक्स करते नहीं हो या हस्तमैथुन करते नहीं हो तो नाइट फॉल होता है, क्योंकि आप सपने में कोई सपने देख रहे, सेक्स का सपना दिख रहे, आपको सवेरे याद भी नहीं आता अपने सेक्स का सपना कौन सा देखा, और उसमें फिर प्रॉब्लम आपको आ सकता है, कौन सा, नाइट फॉल हो। नाइट फॉल होना ये प्रॉब्लम है नहीं, नॉर्मल प्रक्रिया है नाइट फॉल होना। यस सर, सर आवाज जा रही है सर? यस पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार बोलो। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हाँ यस। हेलो सर आवाज आ रही है? हाँ बोलो सर। जो मास्टरबेट करने या सेक्स करने का जो रीजन जाता है सर, 2-3 मिनट का, क्या वो सर ठीक हो सकता है? क्या जाता है जी सर? मतलब अगर सर प्राइवेसी नहीं है खुले में कहीं सेक्स करने के बाद, बहुत बार करने के बाद, अगर जो जो रिदम 2-3 मिनट का बन जाता है, क्या उसको दवा से ठीक किया जा सकता है? हाँ दवाई से ठीक किया जाता है, और कुछ हम बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं उससे भी ठीक किया जाता है। सॉरी सर क्या बोले सर? बिहेवियर थेरेपी, कुछ थेरेपी देते हम है ना ठीक होने के लिए बिना दवाई का। सर ये क्यूरेबल है सर, ये ठीक हो सकता है? पूरा क्यूरेबल है 100%। ओके ओके सर। सर हेलो सर, एक और सवाल है सर। हाँ सर, जो ये जब सेक्स करने के समय बहुत घबराहट होती है, बार बार पेनिस पर ध्यान जाता है, क्या इसको सर दूर किया जा सकता है? हाँ देखो, आपको ये देखना है कि आप गीता का सार जो है ना, गीता का सार वो ख्याल में रखना जरूरी है। गीता में क्या बोला है? गीता में बोला है कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आपने कर्म करना है। कर्म कौन सा करना है? कर्म यह है कि आपका ख्याल पत्नी के ऊपर है, आपके सेक्स पार्टनर के ऊपर है, उसकी आप सोच रहे हैं, उसको मजा दे रहे हैं, आप मजा ले रहे हैं, और उसमें आपका ख्याल है। सेक्स की तरफ ख्याल जाने का नहीं है कि लिंग ऐसा है, क्या हुआ है, उसके तरफ थोड़ी ख्याल देने का है। Okay, ख्याल नहीं जाना चाहिए। नहीं सर, जैसे कि मैंने पहले मास्टरबेट किया, उसके बाद मन में ख्याल आने लगा कि मैं, मेरा कोई मतलब फिजिकली मैं कमजोर हो गया हूँ, ये बार बार ख्याल आता है सर। हाँ ये ख्याल आप लाते हो कि ऑटोमेटिक आता है? सर मैंने इतना इस विचार को होल्ड कर लिया कि अब खुद आने लगता है। ऑटोमेटिक आ रहा ना, ऑटोमेटिक आ रहा ना ख्याल? हाँ सर। ऑटोमेटिक तो आपको, ऑटोमेटिक आपका सबकॉन्शियस माइंड ख्याल ला रहा है। अब सबकॉन्शियस माइंड को ये ख्याल कैसे करना कम, सबकॉन्शियस माइंड से ख्याल कैसे कम करना, इसके लिए आप हमारा हिप्नोटिज्म का प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। ओके सर। है ना, जब हम बताएंगे उसमें कि अपना ख्याल कैसा कम करेंगे, नकारात्मक विचार कम कैसा करेंगे,
तुरंत अभी के अभी आप पैसे भर दो, 5000 रुपए चार्ज है हिप्नोटिज्म का, और सेक्स काउंसलिंग का भी चार्ज 5000 रुपए है, और आपको यदि सिर्फ मेरा कंसल्टेशन चाहिए, दवाई लिख के चाहिए, तो 500 रुपए भर के, 500 रुपए भर के आप कंसल्टेशन ले सकते हो। कल नहीं सर, मुझे पूरी तरह से ठीक होना है इस विचार से। ठीक है, तो आप हिप्नोटिज्म का कंसल्टेशन लो, हिप्नोटिज्म से मैं आपको अच्छा करूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, ये देखो सनी नवले इनका ये है। हाँ सनी नवले, इन्होंने डाली हुई है आपको 500 रुपए दे के आप कंसल्टेशन का टाइम मेरा ले सकते हैं, और दूसरा 5000 रुपए भर के आप काउंसिलिंग जो है उसके लिए भी आप मेरा टाइम ले सकते हैं। यस बोलिए। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज जा रही है सर। हाँ यस। हेलो। यस। Because of any, if someone is doing it due to frustration or any tension, then it is good or bad? देखो हस्तमैथुन पर से इज नॉट गुड, इज नॉट बैड, वो अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। हस्तमैथुन ये हस्तमैथुन है, आपने किया उसका कारण टेंशन हो सकता है, उसका कारण दुख हो सकता है, उसका कारण एंजाइटी हो सकती है, उसका कारण कोई भी रहे, हस्तमैथुन ये नॉर्मल प्रक्रिया है। सर वन मोर सर, माय फादर इज एडिक्टेड टू अल्कोहल, so sir therefore I feel frustrated about it that I will be yes say addict or not, means that that thought came in my mind after the triggers in my home sir, means मतलब ये चीज है सर, तो उनके वजह से मतलब वो frustration की वजह से मैं वो करता हूँ, तो मैं sex addict बनूंगा, मतलब ऐसे thoughts में आते हैं, मतलब करने के बाद मैं एक ही बार कर दूंगा, मतलब तो is it गुड और बैड, मतलब अभी ये एक्चुअली प्रॉब्लम है सर, मतलब बाकी मैं आपके बहुत सारे वीडियो देख के सर, सब यूट्यूब पे सब वीडियो देखता हूँ सर आपको। बहुत अच्छा, वेरी गुड, गुड गुड। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, आवाज जा रही है सर? आवाज जा रही है? नमस्कार सर। यस सर। यस नमस्कार। बिहार से बोलो सर। बोलिए, मास्टर बेसन एक मिनट के अंदर ही हो जाता डिस्चार्ज, तो उसके लिए आपको मेरा सेक्स काउंसलिंग का सेमिनार करना होगा। मास्टरबेशन में यदि जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आराम आराम से कैसा करना है ना, आपको सिखाऊंगा। आप अभी तुरंत 5000 रुपए भर दो, अभी के अभी मेरी अपॉइंटमेंट ले लो और तुरंत हम क्लास चालू कर सकते हैं। जी सर। यस जी सर। वो बात करने लगती हूँ सुबह जैसे हीट होने लगता है बॉडी, तो कोई उसी वास्ते हम जो करते हैं तो बॉडी हो जाता है। हाँ नहीं करता, और मंथ में कम से कम तीन से चार हो जाता, सॉरी से कोई प्रॉब्लम नहीं क्या? आपका आवाज कट रहा है, सुने नहीं आ रहा है। बोले सर, मंथ में 3 से 4 बार नाइटफॉल हो जाता, वो को प्रॉब्लम ही होगा क्या? नहीं नहीं, नाइटफॉल होना ये एकदम नॉर्मल है, नाइटफॉल होने से कुछ नुकसान होता नहीं है। नाइटफॉल ये सपने में आपको सपने आते सेक्स के, अब सपने सेक्स के आते होंगे तो उसमें आपको लगता है कि सपने में आपको लगता है कि सच चालू है, आप है कहाँ, आप तो सोए हुए, उसमें गिर जाता है, उसको लगता है कि सच्ची देख रहे। ये 10 सेशन होते हैं आपको, है ना सर? मेरी आवाज कट गई, आपकी आवाज कट गई नेटवर्क सर। तो सर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आदि, आपकी आवाज बंद हो रही है। हेलो। हाँ हेलो। मंथ में कितनी बार हो तो प्रॉब्लम ना हो सर नाइटफॉल? मंथ में नहीं, रोज भी नाइटफॉल हुआ तो कुछ नहीं होता। नाइटफॉल रोज भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? कुछ प्रॉब्लम नहीं, रोज हुआ तभी। जी सर, एक का वीडियो देख लेते। जी सर सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। जी सर, ऐसी कहावत है
ऐसी कहावत है कि जो अवयव का, जो हिस्से का आप इस्तेमाल नहीं करते, वापर नहीं करते, वो आपको खोना पड़ता है। समझो आपको फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया हाथ का, प्लास्टर लगा लिया, प्लास्टर हो गया आपने गले में हाथ लटका दिया, डेढ़ महीने का प्लास्टर है, अब डेढ़ महीने का प्लास्टर है, प्लास्टर निकाला, अब डेढ़ महीना आपने हाथ का वापर नहीं किया। हाँ सर, सुन रहे तो सुनो जी सर, सुन रहे हैं अब, सुनो, डेढ़ महीना प्लास्टर निकाला, डेढ़ महीने बाद में डेढ़ महीना आपने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया, अब क्या हो जाएगा? अब उसको हाथ को समझो, बोला मैंने कि अभी हाथ से उठाओ खाली चीज वजनदार, तो उठेंगी क्या? वो नहीं उठेंगी, क्योंकि वो तो डेढ़ महीना प्लास्टर में था। नो सर, फिर धीरे धीरे काम में लाना पड़ता है, काम में लाके फिर उसका नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज, कोई भी चीज, आप शर्ट पहनते नहीं हो, एक आधा शर्ट पहनते नहीं हो, कपड़े में पड़ा हुआ है, वो खड़े खड़े बैठे बैठे सोते सोते वो कपड़ा खराब हो जाता है, जो वापरते नहीं है वो खलास होता है। वैसे ही सेक्स का है, सेक्स यदि आप वापरेंगे नहीं शादी के पहले या शादी के बाद, उसको यदि वापरेंगे नहीं, यूज इट और लूज इट, आपको उसको खोना पड़ेगा, आपको भुगतना पड़ेगा। शादी के बाद में भी यदि आप सेक्स करते नहीं है, हफ्ते में एक बार तो भी होना चाहिए मिनिमम। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं हम आईटी में हैं, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता, दोनों मियां बीवी सवेरे जाते 7 बजे घर से, रात को 11 बजे वापस आते, आने के बाद में थक जाते हैं। कुछ भी हो जावे, आपका सेक्स हफ्ते में एक बार होना जरूरी है, यदि वो होता नहीं है तो आपको खोना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। यूज इट और लूज इट, ऐसा है वो। हेलो सर। यस सर, जो मुझे मॉर्निंग इरेक्शन जब कभी कभी बहुत ज्यादा होता है सर, और मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे उठना पड़ता है बेड से, क्या है सर कोई प्रॉब्लम? आपका सवाल है कि मॉर्निंग इरेक्शन का प्रॉब्लम है क्या? ये सवाल का जवाब देने के लिए बोलता हूँ मैं फिर से एक बार, नींद है बहुत लाइट हो जाता है, लाइट हो जाता है। उसका सवाल का उसका जवाब मैं देता हूँ, उसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे से कंसल्टेशन करने के लिए अभी चालू कॉल में आपको लिंक भेज रहा हूँ, वो लिंक के ऊपर 500 भेज सकते हैं और उसका स्क्रीन शॉट सनी नवले इनको दे सकते हैं जो भी ऑनलाइन लाइव है, नंबर एक। नंबर दो, आप सेक्स काउंसलिंग सेमिनार मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें 5000 रुपये फी है और वो 10 दिन का मैं सेमिनार करूंगा। नंबर तीन, आपको हिप्नोटिज्म करने का है तो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार ऐसा 10 हफ्ते का हिप्नोटिज्म का सेमिनार होगा, वो भी आप कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम छुड़वा सकते हैं। इसके अलावा अभी कोरोना के ये पैंडेमिक में लोगों ने अपने धंधे पानी खो बैठे, लोगों ने अपने धंधे कम कर दिए, धंधा नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम है। हम लोगों को बिजनेस कोचिंग करते हैं, उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए हम कोचिंग करते हैं, तो बिजनेस कोचिंग के लिए भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हो और हमारा बिजनेस कोचिंग का सेमिनार भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार ऐसा 10 हफ्ते का सेमिनार है बिजनेस कोचिंग का और उसमें आपको मैं बिजनेस कोचिंग दूंगा, ठीक है? अभी सवाल यह है मॉर्निंग इरेक्शन का, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मॉर्निंग इरेक्शन क्यों होता है। पहले सबसे बड़े बात क्या होता है कि कुछ लोगों को औरत के साथ में सोए तो इरेक्शन नहीं होता, लेडी के साथ में इरेक्शन नहीं होता, क्यों? क्योंकि उनका टेंशन है बहुत दिमाग के ऊपर, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, धक 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 फिकर चिंता, तो लेडी के साथ में इरेक्शन नहीं होता कुछ लोगों को, है ना? फिर उनको होता नहीं है कुछ लोगों को, जी सर, है ना, उनको होता नहीं है। अभी देखो आप सोते हैं, तो जब आप सोते हैं तो आपका ये दिमाग एकदम रिलैक्स है, एकदम रिलैक्स है, आप सोते हैं तो टेंशन नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, जब टेंशन भी नहीं है, एंग्जाइटी भी नहीं है, तो फिर क्या है? रिलैक्स है दिमाग, सपने आ रहे हैं सेक्स के, सपने आ रहे हैं तो दिमाग को लगता है कि लेडी के साथ में सोए, जब सेक्स के सपने आ रहे हैं ऑटोमेटिक इरेक्शन आ जाएंगे। तो मॉर्निंग इरेक्शन आना ये नॉर्मल है, मॉर्निंग इरेक्शन आ रहा है इसका मतलब सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है, मॉर्निंग इरेक्शन आ रहा है मतलब कोई चिंता का काम नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है मॉर्निंग इरेक्शन आ रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो हाथ से हस्तमैथुन करो,
आपको अच्छा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो सर। यस, आखिरी का सवाल, 8 बजे हमको खत्म करने का है। यस, आखिरी का सवाल है। एक सेकंड सर, एक सवाल सर। सर जैसे कभी कभी 2 बजे से पहले ही हो जाता, 2 बजे रात से पहले ही नाइट फॉल। हाँ ठीक है, वो आपको सपने कब गिरते हैं, कितने बजे गिरते हैं, सपने कौन से गिरते हैं, उसके ऊपर नाइट फॉल है। जी सर, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं सर? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर नाइट फॉल, नाइट फॉल, नाइट फॉल बंद करना है। जी सर, उसके लिए क्या करना है? जी सर, बंद बंद कर दिया ना तो आपकी मूंछ गायब हो जाएंगी, दाढ़ी गायब हो जाएंगी। करना है जी सर? करना है? नो सर। नहीं ना? नो सर, घर नहीं करना। नो सर, नाइट फॉल बंद कर देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम? फिर तो ऐसे ऐसे करके घूमना पड़ेगा, है ना? नो सर, फिर ऐसे करके घूमने का है। नो सर, हो रहा है। हाँ, नाइट फॉल हो रहा है, इसका मतलब आप पुरुष है। जी सर, मर्द हो। जी सर, नाइट फॉल हो रहा है, इसका मतलब आप मर्द है, मर्द की निशानी है वो। नाइट फॉल बंद करना है तो फिर ऐसा करके घूमना पड़ेगा सर। एक नो सर, दिल्ली का एक डॉक्टर था, उसका जब देखे उससे जब बात हुआ एक दिन वीडियो से, तो वो एक हफ्ते मंथ में चार बार ज्यादा नहीं होना चाहिए नाइट फॉल, तो उसे आगे प्रॉब्लम हो जाता और दवाई खाना पड़ेगा इसके लिए। वो लिखा हुआ नहीं है सर, आपका वीडियो हमको अच्छा लगा। वो लोग आपको दिल्ली का था वो। जी सर, लोग आपको डरा दे, आप जितने ज्यादा डर गए उतने ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं, वो उनको मालूम है। जी सर, आपने डरने का नहीं है, मेरे को कांटेक्ट करने का है ना, डरो मत। जी सर, हाँ ये ठीक है, गुड। तो आपको सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफी लोग YouTube के ऊपर थे, करीब करीब 120 लोग YouTube के ऊपर है ना, 60-70 लोग अपने Zoom के ऊपर थे और Facebook के ऊपर भी लोग है ना। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए, अपने अपने सवालों के जवाब आपने लिए। तो हमारा बिजनेस कोचिंग आपके ऊपर है, बिजनेस कोचिंग करो। आपका हिप्नोटिज्म का कोचिंग ले सकते हैं, आप सेक्स का कोचिंग काउंसलिंग ले सकते हैं, और आप मेरा सुबह का वीडियो कॉल का 500 रुपया भर के आप कोचिंग कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले बुधवार को आपके साथ में फिर मौजूद रहूंगा एक नया टॉपिक लेके 7 बजे शाम को। और ये हमारा जो आपको लिंक आता है वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि लोग ये जूम कॉल का यूट्यूब का आनंद लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। यही लिंक का दिन देगा सर, अगले दिन भी यही लिंक रहेगा सर। हाँ, अगले वेडनेसडे को यही लिंक रहेगा सर, आपको मिल जाएगा लिंक मिल जाएगा, आपको आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट सभी को। और सभी को रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, ताकि आपको नए नए वीडियोस मिल जाएंगे। हमारा जरूर सर, जरूर सर, चैनल है जरूर सर, एक चैनल है, एक चैनल है सेक्स एंड मानस, ऐसा डालो सेक्स एंड मानस सॉल्यूशंस, एक चैनल है, उसके ऊपर आपको सेक्स के वीडियो मिलेंगे सिर्फ। तो वो भी चैनल सब्सक्राइब करो आप, सेक्स एंड मानस चैनल। तो सेक्स एंड मानस अभी यूट्यूब पे जाओ, सेक्स एंड मानस बाय डॉक्टर दीपक केकर डालो, आपको जो मिलेगा उसके ऊपर आप घंटी लगाओ, आपको हमारे सब वीडियोस मिलते जाएंगे। ठीक है, अभी के अभी सभी लोग उसको सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बिल्कुल सर, करेंगे सर। थैंक यू, गुड नाइट सर, प्रणाम सर, प्रणाम, थैंक यू सर।